हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिल्पी एक बार फिर से आई हूँ आपके सामने एक अच्छी सी वीडियो लेकर, और इसी के साथ में वीडियो का टाइटल आप सुनेंगे ना तो आप शॉक्ड रह जाएंगे। क्योंकि जब मैंने इस वीडियो का टाइटल देखा तो मैंने कहा सच में ऐसा हुआ था, तो फिर मैंने कहा इस पर रिएक्ट करना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि हमारा सिख समाज जो है वो हर एक धर्म के लोगों को एक्सेप्ट करता है। वीडियो का टाइटल है अमृतसर गुरुद्वारे में नमाज पढ़वाई सिख भाइयों ने। तो चलिए हम और आप मिलकर देखते हैं गोल्डन टेंपल में किस तरह की नमाज अदा हुई। उससे पहले आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके मुझे सपोर्ट करिए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। وصحابه وسلم أما بعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين برحمتك يا أرحم الراحمين। तमाम जो इंसान है वो उनसे बने, मोहब्बत से बने हुए। हम तमाम हर आदमी अपने मज़हब पर आज़ाद है। तमाम मज़हब आपस में भाईचारा और प्यार मोहब्बत से रहने के लिए सिखाता है। यही हमारी कुरान और गणित और गीता सभी सिखाती है कि आपस में तमाम लोग मिलजुल करके रहे। बहुत अच्छा महसूस हुआ, जो यहाँ के जो इंतज़ामिया है उन्होंने बहुत हमारा ताउन किया, हर तरीके से हमारे साथ रहे। माशाल्लाह बहुत तबीयत खुश हुई और हम इन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने की। जड़ीदा बहुत चंगा लगा, क्योंकि गुरु रामदास के चार दरवाजे रख के सारे धर्मां नूं सद्दा दिता भी आओ जी आयां नूं, पातशाह दे दाते आए आ, असीं भी चाहुंदे बहुत सानूं चंगा लगा। सर्व सांझी वालता दे जिहड़ी गुरु साहब ने भी इस चीज़ नूं कहा वी सारी सारे धर्म ते सारे मनुख इक ने, एक परमात्मा नूं याद करिए, ते उन्होंने अपना जिहड़ा धर्म दे कीते नाल इत्थे जिहड़ी नमाज अदा कीती आ, सारे मुल्क दे विच अमन अमान होवे, शांति होवे, उस नूं लै के इन्होंने प्रे कीती आ तां कि सारिआं नूं शांति मिल सके। क्या बात है, सच में यार ये वीडियो देख के तो ना तबीयत बिल्कुल खुश हो गई। कि आपको ये ना ऐसा मंजर आपको किसी भी धर्म में देखने को नहीं मिलेगा कि जहाँ पर मंदिर या जगह या भगवान किसी और के और नमाज किसी और की अदा करी जा रही थी। बहुत खूबसूरत था। ये उन लोगों को मैसेज है जो बोलते हैं कि आपस में जो दुश्मनी फैलाते हैं, जो घृणा फैलाते हैं, जो लोगों के बीच में नफरत एक तरीके से फैलाते हैं ना, उनके लिए ये मुँह जोरदार तमाचा बोल सकते हैं है मुंह पर। क्योंकि आपने हर जो धर्म में आप जाएंगे ना, सब धर्मों में आपको यही बताया गया है कि आप चाहे किसी भी धर्म में जन्म लेते हो या किसी भी उसमें जन्म लेते हो, लेकिन जो भगवान है ना वो एक है। लेकिन हम सब ये नहीं समझते। जैसे मैं रिएक्ट करती हूँ ज़्यादातर, मैंने सिख जो सिख के गुरु हैं उन पर रिएक्ट किया, उनको जो इतिहास पर रिएक्ट किया है, तो मेरे खुद के जो परिवार वाले लोग हैं वो खुद बोलते हैं कि तुम हिंदू हो और तुम अपने धर्म की वीडियो नहीं बनाती हो। मतलब ऐसे करके मुझे भी कई लोगों ने बोला है, मेरे ही फैमिली के सोचिए। तो मैं इनसे बस इतना बोलना चाहती हूँ कि आप लोग ये वीडियो देखिए और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि यार ऐसी चीज़ें ना बहुत कम लाइफ में देखने को मिलती हैं, और हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग को ऐसी वीडियो देखने को मिली। क्योंकि ये संदेश है, क्योंकि आपने
सुना होगा, मतलब मैंने ऐसे सुना, मतलब ऐसा कहा गया है कि जो गुरुद्वारे हैं ना गोल्डन टेंपल के, वो चार दरवाजे, वहाँ पे हर एक धर्म को आने की पूरी परमिशन है। और ये केवल कहा नहीं गया है, ये इस वीडियो से साबित भी होता है कि यहाँ पे हर धर्म के लोग जाते हैं और बिना कोई रोक टोक के, बिना किसी भी तकलीफ़ के, यहाँ पे बताइए इतना सब कुछ हो रहा है। बहुत ही अच्छा वीडियो था, मज़ा आ गया देख के। और आप लोग भी अगर ये मानते हैं तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, अगर आप इसमें विश्वास करते हैं कि सब धर्म एक है और सबको मिलजुल के रहना चाहिए। बस इतना सा था ये मेरा वीडियो, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा मेरा ये रिएक्शन। मिलती हूँ आपको फिर से एक ऐसी ही जोरदार वीडियो के साथ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।